हाँ तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, और हाँ वीडियो को शेयर जरूर कर दें ताकि आने वाली हर खबर उनको भी मिले। मित्रों, हनुमान बेनीवाल ने कहा कि किसी में इतना दम नहीं कि हनुमान बेनीवाल और तेजा जी के कार्यक्रम में टेंट जला दे। हनुमान बेनीवाल ने यह भी कहा कि ऊंची हरकत करने वालों को मैं कभी नहीं छोड़ पाऊंगा। देख लीजिए आप खुद इस वीडियो के क्लिप में श्री हनुमान बेनीवाल ने क्या कहा है। दुर्भाग्यपूर्ण घटना जो टेंट जलाने की ऊंची हरकत इन्हीं नेताओं के इशारे पे हुई, बच्चे मायूस हो गए थे, लेकिन आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। टेंट जलाने के अंदर जो भी शरीक थे, चाहे वो जिले का राजस्थान का कितना भी बड़ा कद्दावर नेता हो, वो सलाखों के पीछे होगा जिन्होंने टेंट जलवाने की गंदी हरकत करी है। इतना विश्वास मैं मेरे भाइयों को दिलाना चाहता हूँ। मैंने प्रदेश के मुख्यमंत्री से बात करी थी, समय रहते गया तो नई परंपरा राजस्थान के अंदर पैदा हो जाएगी, तो लोग तो फिर शादियों का टेंट नहीं लगा पाएंगे, कोई आगे रात को जला देगा। ये तो शुरुआत है, कांग्रेस के नेताओं के प्रोग्राम भी होंगे, बीजेपी के नेता भी आएंगे। ये टेंट जलाने की जो आदत है, ये तो फिर एक नई शुरुआत आप लोगों ने कर दी, और इसको समय रहते अगर आपने इन लोगों को नहीं पकड़ा तो गंभीर परिणाम भुगतने के लिए राजस्थान की सरकार तैयार है। अभी तो हमने चेतावनी दी है, अगर अवमान कर दिया तो राजस्थान के अंदर किसी माई के लाल के अंदर इतना दम नहीं कि हनुमान बेनीवाल और तेजा जी के भक्तों की खोज के सामने राजस्थान के अंदर। भाइयों, मैं आज इस शुभ अवसर पर जो अप्रिय घटना को समाज कंटकों ने की है, और ये कई लोगों की फितरत है, लेकिन जिनका जिसके हाथ से भला होना होता है वो उसके हाथ से ही होता है। मेरे हिसाब से दोबारा ऐसी घटना इस इलाके में नहीं होगी। अब की बार इनका सोड़े आना इलाज अच्छी तरीके से कर देंगे, ताकि दोबारा कोई व्यक्ति ऐसा गुस्सा हर किसी कार्यक्रम के अंदर करने की हिम्मत नहीं करेगा। तो देखा आपने इस वीडियो के क्लिप में हनुमान बेनीवाल ने क्या कहा है खीवसर की जनता को। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि इनका मैं इलाज कर दूंगा ताकि ये राजस्थान के अंदर ऐसा और कोई काम ना कर दे। हनुमान बेनीवाल ने ये कहते हुए कहा कि किसी में इतना दम नहीं कि तेजा जी वो हनुमान बेनीवाल के कार्यक्रम में खलासी डाल दे। तो मित्रों, मिलते हैं अगली खबर के साथ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।